दोस्तों, कैसे आप सब? तो दोस्तों, मेरे पास काफ़ी ऐसे भाइयों की फाइलें आती हैं और मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं जो कम इनकम की वजह से, कम सैलरी की वजह से जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती है लोन के माध्यम से। और फिर हम उनको जो गाइड करते हैं वही मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख के अपना लोन अमाउंट बढ़ा सकते हैं, चाहे आपकी इनकम ही कम क्यों ना हो, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, जो आपके पास दूसरा माध्यम होता है हमारे पास और हमारी इनकम कम है, तो वो होता है बैंक स्टेटमेंट। और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो बैंक जो डेटा चेक करती है, अगर उसमें आपकी अमाउंट पड़ी हुई है और उसमें एंट्रियाँ डाली हुई हैं आपने उन डेटों में, तो वो भी कैलकुलेट करके आप अपना जो लोन अमाउंट है बढ़ा सकते हो। पर कई भाई लोग ऐसे होते हैं जो बैंक में पैसा रखते तो हैं, मगर वो जो बैंक डेटा चेक करती है उस डेटों के अलग डेटों में पैसा पड़ा होता है जो किसी भी कैलकुलेट में नहीं आता है, तो इस वजह से भी उनका जो लोन अमाउंट बढ़ नहीं पाता है। मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि आपने किन किन डेटों में आपने पैसा रखना है और उसकी वजह से आपका जो लोन है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, वो जो डेटें होती हैं वो है 1, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब ये 6 डेटों में अपना ध्यान रखें कि आपने जो जिस हिसाब से आपने लोन लेना है उसी हिसाब से कैलकुलेट करके आपने वो पैसा उन डेटों में डालना है 3 मंथ के लिए, और वो सेम डेट में आपने नहीं निकालना है। जैसे कि आपने 5 तारीख को पैसा डाला है, कोई अमाउंट डाली है और उसको आपने सेम डे ही निकाल लिया, तो वो कैलकुलेट में नहीं आएगा, कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो आपने वो अगर पैसा 5 तारीख को डालना है तो आप 6 तारीख को निकाल लेते हो तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, वो कैलकुलेशन में आ जाएगा आपका पैसा। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रख के अपना जो लोन अमाउंट बढ़ा सकते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके अलावा अगर आपने मेरे से कोई बातें पूछनी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर।